Hey guys, welcome back to the channel. आज का टॉपिक अवेटेड भी है और मोस्ट रिक्वेस्टेड भी. अब आप बोलोगे मैं सारे वीडियोस को लेकर यही बोलती हूँ, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्टेड वीडियोस लेकर आती हूँ, राइट? तो अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट भी है तो अपने कमेंट्स में बताओ. आई विल ट्राई देर सवेरे सही उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगी. तो आज का टॉपिक डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए, मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी कंट्रीज में हैं और कनाडा की पीआर के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए या किसी भी तरीके से कनाडा आने के लिए ट्राई कर रहे हैं. तो टॉपिक बहुत मज़ेदार है, आपकी इन्फॉर्मेशन का है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो आज हमारे चैनल पर गेस्ट हैं मिस्टर विकास कौशल, यूनिवर्सिटी पाथवे इंटरनेशनल नॉर्थ अमेरिका की लीडिंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और विकास कौशल जी उनके चेयरमैन हैं. उन्होंने अभी न्यू ब्रुंसविक में मॉन्गटन में एक कॉलेज लिया है, एस्पायर कॉलेज, जिसके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं. तो उनसे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपनी कंट्री से कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके पास, या ओवरऑल कनाडा में क्या स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस रहता है, कितना पैसा चाहिए, कितनी बड़ी टाइमलाइन है, किस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा से आप वर्क परमिट पे जाओगे और कितनी जल्दी क्विकेस्ट वे कनाडा का पीआर आपको मिल सकता है. तो देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वेलकम है आपका विकास जी चैनल पे. हेलो एवरीवन, थैंक्स शिल्पा फॉर इनवाइटिंग मी. ओह, इट्स ऑल आवर प्लेजर. तो पहले आप हमारे को यूनिवर्सिटी पाथवे इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा बताइए और एस्पायर कॉलेज के बारे में बताइए. ओके, यूनिवर्सिटी पाथवेज इंटरनेशनल जिसको हम शॉर्ट टर्म में यूपीआई कहते हैं, एंड यूपीआई इज अ सैटेलाइट सेंटर फॉर ATHE ऑल्सो, एंड यूपीआईज करिकुलम इज ऑल्सो देयर इन एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, हमने मॉन्गटन न्यू ब्रंसविक के अंदर स्टार्ट किया है. प्लस हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर भी हमारा इंटरनेशनल कॉलेज है पाइन ग्रोव के नाम से. सो दीज ऑल आर अंडर यूपीआई अम्ब्रेला एंड यूपीआई का करिकुलम उसके अंदर चल रहा है. ओके, तो अभी जो आपने मॉन्गटन में एक नया कॉलेज स्टार्ट किया है, तो इससे ये बताइए न्यू ब्रुंसविक क्यों, व्हाई यू चोज न्यू ब्रुंसविक, व्हाई नॉट ओंटारियो, व्हाई नॉट ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे स्टूडेंट्स का क्राउड ज्यादा आता है? वेरी गुड क्वेश्चन शिल्पा. तो ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी कई बार कईयों ने पूछा है. सो द रीजन न्यू ब्रुंसविक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो डाउट ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में स्टूडेंट्स का क्राउड ज्यादा आता है, मगर जब पीआर लेने का टाइम आता है तो अटलांटिक प्रोविंसेस जो सी हैं उनमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा वेलकमिंग है. जब हमने कॉलेज भी स्टार्ट करना था उसकी परमिशंस जो हमने ली, न्यू ब्रुंसविक गवर्नमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया और बहुत क्विकली हमें उसकी परमिशंस मिल गई. अगर सेम प्रोसेस हम ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में करें तो वो प्रोसेस गोज़ अप टू 1 ईयर एंड समटाइम्स 1.5 ईयर, जो सेम प्रोसेस हमें न्यू ब्रुंसविक में 5 to 6 months में पूरा हो गया. सो दैट वॉज द मेन रीजन. और आप लोगों का कुछ भी बोलते रहो चाहे वहां पर बैठे हुए, बट मुझे पता है कि स्टूडेंट वीजा पे कनाडा आने का एक ही रीजन होता है कि पीआर मिल जाएगी, राइट? तो जहां पे क्विकेस्ट वे में पीआर मिले वहां पे एडमिशन लेना ज्यादा फायदेमंद है. तो वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि कनाडा इतना बड़ा है और इतने सारे प्रोविंसेस हैं, बट किस प्रोविंस में जाना चाहिए, पैसे का भी फायदा होता है क्या थोड़ा? बहुत ज्यादा फायदा होता है. तो अगर सिर्फ कनाडा पीआर एक एम है, कनेडियन एजुकेशन डेफिनेटली हैव इट्स ओन बेनिफिट्स, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द वे आपका रोड जो है, जो रोड जाके खत्म होती है वो पीआर पे खत्म होती है. तो न्यू ब्रंसविक में देयर इज अ प्रोसेस जिससे आपको अटलांटिक, तो ये तो मैजिक वर्ड है, मतलब बहुत सारे लोग AIPP के बारे में पूछते हैं, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं, तो हो सकता है आज विकास जी से थोड़ी सी उसकी नॉलेज भी मिल जाए हमें. और नॉर्मली लोगों के माइंड में ये शायद है कि जब वो अटलांटिक प्रोविंसेस में पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. देर आर एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को. तो इससे तो पता चल रहा है कि ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया से थोड़ा लुक्रेटिव ही है न्यू ब्रुंसविक में जाना. तो अब हमें पूरा प्रोसेस बताइए स्टूडेंट वीजा का, कि अब देखो वहां पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ आपको देख रहा है और अब उसको आना है कनाडा, तो क्या उसका सबसे इजी वे रहेगा, कैसे वो शुरुआत करे, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, कैसे वो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करे, या फिर कैसे वो कोर्सेज डिसाइड करे, कौन कौन से कोर्सेज आपके पास हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं. जो हमारा मॉन्गटन के अंदर एस्पायर कॉलेज है उसके अंदर हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, सोशल हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट हैं, IT एंड कंप्यूटिंग हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो प्लस टू करने के बाद आते हैं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. सो ये सभी कोर्सेज के हमारे पास डिप्लोमास हैं. एस्पायर कॉलेज के पास दो तरह की परमिशंस हैं, एक हम डोमेस्टिक स्टूडेंट्स लेते हैं फॉर फिजिकल क्लासरूम टीचिंग, अनदर इज वी कैन टेक
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर हमारा कॉलेज है इंटरनेशनल कॉलेज, जो यूपीआई के अंदर, यूपीआई का एक रिप्रेजेंटेशन सेंटर है, एंड दैट वाज द फर्स्ट कॉलेज इन इंडिया जो वो कोर्स करवाता है जिसके यहाँ पे 60 क्रेडिट्स तक यूनिवर्सिटीज देते हैं। जो बच्चा हमारे पास प्लस टू करने के बाद इंडिया के अंदर एडमिशन लेता है हमारे इंटरनेशनल कॉलेज में, हम उसको सेम उसी मोमेंट के ऊपर उसको एनरोल करते हैं एस्पायर कॉलेज कैनेडा में भी ऑनलाइन स्टडी के लिए। सो हम उसको वही सेम करिकुलम टीच करते हैं इंडिया में अपने कॉलेज के अंदर। जो बच्चे प्लस टू के बाद इंडिया से यहाँ पर आते हैं 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए, हम सेम डिप्लोमे का करिकुलम उनको इंडिया के अंदर ऑनलाइन में करवाते हैं। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो कनाडा की और पैसे दे रहे हो इंडिया में। यस, दैट इज राइट। तो ये तो फायदे की बात है, क्योंकि अब आगे आगे देखते हैं कि किस तरीके से आपको कनाडा में आने में फायदा मिलेगा, राइट? और वो 2 साल का जो डिप्लोमा बच्चे यहाँ पर करने आते हैं, जिसके वो 40,000 to 50,000 फीस पे करते हैं डॉलर्स, डॉलर्स। ओह माय गॉड। सो वो सेम डिप्लोमा हम उनको इंडिया में करवाते हैं अंडर एक्सेलरेटेड प्रोग्राम दैट फिनिशेस इन 9 months to 1 year, और वो वही सेम करिकुलम होता है। तो उसकी वैल्यू भी वही होती है, उसकी भी वैल्यू वही होती है। और बच्चा जब वो कंप्लीट करता है उसको उसी तरह एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट या कंप्यूटर्स एंड आईटी या सोशल हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट मिलता है कनाडा के कॉलेज का। एंड वो जो डिप्लोमा होता है दैट इज इक्वलेंट टू 60 क्रेडिट्स ऑफ कैनेडियन एजुकेशन। सो कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जो बच्चे यहाँ पे आते हैं 4 साल की डिग्री होती है। नॉर्मली इंडिया से बच्चे यहाँ डिप्लोमा करने आते हैं बिकॉज डिग्री अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। 4 साल की डिग्री है, हर साल की अगर फीस वो 10,000 to 15,000 dollars देंगे तो ऑलमोस्ट 50,000 to 60,000 उनकी फीस बन जाती है डिग्री की। सो इसीलिए बच्चे प्रेफर करते हैं डिप्लोमा के लिए यहाँ पे आने में। तो वही सेम डिप्लोमा हम उनको वहाँ पे 1/3 प्राइस के अंदर इंडिया में करवाते हैं। ओके, या सो द मेन पर्पज ऑफ यूपीआई इज टू सेव टाइम, फ्लेक्सिबल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, एंड इट सेव्स लॉट ऑफ मनी फॉर इवन द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। और बच्चे का टाइम बचता है, जो 4 साल की उसकी डिग्री है वो 3 साल के अंदर पूरी कर लेता है। ठीक है, अब 2 साल तो उन्होंने इंडिया में बैठकर यूपीआई से अपना 2 साल का डिप्लोमा 9-10 महीने में खत्म कर लिया। अब पर्पस है कनाडा आना। यस, अब वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो जो वो डिप्लोमा वो कर लेते हैं साइड बाय साइड वो आयल्स की तैयारी करते हैं। प्लस टू के बच्चे को 6 बैंड चाहिए होता है आयल्स के अंदर, मिनिमम 5.5 in 1 एंड 6 overall शुड बी द रिक्वायर इज द रिक्वायरमेंट। तो वो आयल्स का पेपर देते हैं, आयल्स क्लियर करते हैं, साथ में एडवांस डिप्लोमा जो हमारे से उन्होंने किया होता है, तो उस बेसिस के ऊपर हम उनकी यहाँ पे कनाडा में किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में जो रेलेवेंट कोर्स होता है उस कोर्स के अंदर उसकी एडमिशन दिलवाते हैं। वी डोंट सेंड स्टूडेंट्स टू कॉलेजेस, वी ओनली सेंड स्टूडेंट्स टू यूनिवर्सिटीज। तो वो एस्पायर में नहीं जाएंगे, माउंटेन में, यू विल सेंड देम इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। यस, एस्पायर में तो एस्पायर के तो वो स्टूडेंट इंडिया में बन चुके थे। ओके, एस्पायर के स्टूडेंट बनकर ही इंडिया में उन्होंने एस्पायर का एडवांस डिप्लोमा किया। तो अब तो उनकी टर्न है कि अब वो यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी के लिए जाएं। तो जो डिप्लोमा उन्होंने एस्पायर का किया है उस डिप्लोमे के उनको 45 to 60 क्रेडिट्स मिलते हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में। नॉट ओनली इन कैनेडा, वी हैव टाई अप विद US, UK, Australia, New Zealand and in Ireland also. Recent tie-up is in Ireland also. Wow. So all those universities give credits. Some university gives 45 credits, some 50 credits, some 60 credits. So 60 credits ka meaning hai 2 years of their study. Because wow. Ek undergraduate degree ke liye 120 credits chahiye hote hain. To jab unko 60 credits mil gaye, to unke 2 saal ki study wo puri ho gayi. To they come directly into third year of undergraduate degree. सिर्फ 9-10 महीने इंडिया में पढ़कर सीधा थर्ड ईयर में एंट्री। वाओ, इससे और क्या हो सकता है? पढ़ना भी कम पड़ेगा। नहीं, पढ़ना कम नहीं पड़ता, पढ़ना सेम पड़ता है, बल्कि ज्यादा ही पड़ता है। मतलब 2 साल की स्टडी अब 9 महीने में पूरी कर, या 9 महीने से लेके 1 साल में पूरी करते हैं। तो पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ता है, मगर वो कर सकते हैं। क्रेडिट्स 100% मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा 45 क्रेडिट्स देती हैं, कुछ 50, लाइक 1.5 साल से लेके 1.5 ईयर से लेके 2 साल तक के उनको क्रेडिट्स मिलते हैं, दैट इज ग्रांटेड बाय अस। और एडमिशन भी देगी ही देगी। या जब एडमिशन देती है उसी की ऑफर लेटर के अंदर ही लिखा होता है कि उनको इतने क्रेडिट्स मिल रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू डायरेक्टली इनटू द थर्ड ईयर ऑफ अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ओके, तो अभी स्टूडेंट वीजा के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब अगर हम अभी की बात करें तो एक तो आईएलटीएस का उनका स्कोर होना चाहिए। ये आपने प्लस टू का बताया। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके, चलो उसकी बात हम बाद में करके कंफ्यूज नहीं करते, पहले प्लस टू के बाद बच्चे का करियर पाथ क्या है उसी को डिस्कस करते हैं। तो आईएलटीएस तो दे देंगे, उनके पास ये डिप्लोमा क्रेडिट भी हो जाएंगे, फिर एडवांस डिप्लोमा हो जाएगा हमारा, और आप उनको हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कराने के लिए। यस, हम उनको ऑफर लेटर मंगवा के देते हैं यूनिवर्सिटी से
उस ऑफर लेटर में उनके क्रेडिट्स लिखे होते हैं, तो उनकी जो वीजा की फाइल बनती है उसमें ऑफर लेटर लगी होती है, प्लस हमारा एडवांस डिप्लोमा होता है एस्पायर कॉलेज का, एंड उसका आईएलएस का स्कोर होगा। उसके लिए उनको वहां इंडिया में जाके किसी एजेंट को ढूंढना पड़ेगा जो उनकी एजुकेशन की फाइल बनाएगा और लगाएगा। दैट इज देयर चॉइस, इवन वी हैव अवर ओन टीम सिटिंग इन अवर कॉलेज जो उनको पूरा असिस्ट करती है। बट कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं जी हमारा अपना कोई है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, तो हम उनसे करना चाहते हैं, तो इट इज ओके विद अस। बट जो पूरा मान लो किसी को नहीं करना, किसी को एजेंट की फालतू की फीस नहीं देनी, तो आपकी टीम है इंडिया में जो उनको पूरा सपोर्ट करेगी हमारे इंडिया से लेके कनाडा तक, उनकी जब तक पीआर नहीं होती हम उनको 100% असिस्टेंस देते हैं। तो जब इंडिया के अंदर उनकी फाइल तैयार होती है उसमें एडवांस डिप्लोमा हो गया, आईएलएस का स्कोर कार्ड हो गया, देन उनके प्लस टू के सर्टिफिकेट्स हो गए एंड प्लस उनके ऑफर लेटर हो गई, उसके बेस के ऊपर वो अप्लाई करते हैं कैनेडियन एम्बेसी के अंदर। एंड जब कैनेडियन एम्बेसी के अंदर वीजा ऑफिसर के पास फाइल जाती है, ही ऑल्सो सीज दैट अ स्टूडेंट हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज टू ईयर्स ऑफ स्टडी इन इंडिया एंड ही इज अ सीरियस स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और डिप्लोमा भी कनाडा की कॉलेज का मिला हुआ है। यस, डिप्लोमा भी उनको कनाडा के कॉलेज का मिला है और बच्चा अपनी डिग्री खत्म करने के लिए कनाडा में जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है। फाइल स्ट्रांग बन जाती है। फाइल स्ट्रांग बन जाती है। ओके, तो अब ये बताइए जो आप यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यू ब्रुंसविक के कॉलेज से कोर्स किया है, तो आर दे एलिजिबल टू अप्लाई एनी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट कनाडा और न्यू ब्रुंसविक में यूनिवर्सिटी? एनी यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कैन अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा। लेकिन आप सजेस्ट क्या करते हो, बिकॉज आपने बोला कि अटलांटिक प्रोग्राम, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो ऐसी प्रोविंसेस के अंदर यूनिवर्सिटीज को लें जहां पर पीआर जल्दी होती है, बिकॉज नो डाउट बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहा है बट अल्टीमेट एम तो हर बच्चे का परमानेंट रेजिडेंसी ही है। तो ऐसे प्रोविंसेस कौन से हैं जहाँ पीआर जल्दी होती है? न्यू ब्रुंसविक है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया एंड मैनिटोबा, सस्केचुअन में भी होती है, पर अगर हम बात करें तो न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, इनमें थोड़ा जल्दी होती है। लेकिन जो से बच्चों का, हाँ जैसे आपने इसको पहले भी एड्रेस किया है, बट बच्चों का मेन कंसर्न ये रहता है कि पता नहीं वहाँ पे वो 20 आवर्स की जो उनको जॉब करनी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाती है सबको वहाँ पर भी? हमेशा मिलती है, बच्चों के मन में सिर्फ एक वो माइंड सेटअप हुआ हुआ है इंडिया के अंदर कि हमने तो टोरंटो में जाना है, ब्रैम्पटन में जाना है या हमने सरी में जाना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ही सिर्फ जॉब्स मिलती हैं। जब टोरंटो में कोई जॉब निकलती है, ब्रैम्पटन में एक जॉब निकलती है, तो उसके अगेंस्ट 500 स्टूडेंट्स खड़े होते हैं एज अ कैंडिडेट। जब न्यू ब्रुंसविक माउंटेन में कोई जॉब निकलती है वहां पर 50 स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप रेशियो देखिए। एंड प्लस यूनिवर्सिटी फीस का बहुत फर्क है, अगर बच्चे ने टोरंटो की यूनिवर्सिटी में जाना है, यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस हमेशा अटलांटिक सिटीज, अटलांटिक प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटी से हमेशा फीस ज्यादा ही होगी। तो अगर आप उन कंट्रीज में, सॉरी कंट्रीज नहीं, उन प्रोविंसेस में थोड़ा कम भी कमाओगे या कम आवर्स भी काम करोगे, बात वही पड़ेगी, जेब से पैसा उल्टा वहां कम ही जाएगा वहां, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस वहां पे कम है, लिविंग एक्सपेंसेस कम है, फीस भी कम है वहां पे, राइट। तो एक चीज तो मैं यहाँ पे बता दूं, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार इतना पैसा लग रहा है, वो मैंने अमन के साथ जो वीडियो की थी उसमें भी बताया था, दोबारा बताया थी, अगर अमन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखो। अगर स्टूडेंट बनकर कनाडा में आने का प्लान कर रहे हो तो वो वाली वीडियो तो आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है, किस तरीके से वो स्टूडेंट बनकर आया, किस तरीके से उसने यहाँ पर जॉब्स करी, अपना खर्चा मैनेज किया और आज एक रेस्टोरेंट का ऑनर है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और ऊपर भी डाल दूंगी, वो वीडियो देखो, आपको आइडिया लग जाएगा जॉब यहाँ पे। अगर आपके दिमाग में ये नहीं है ना कि मुझे व्हाइट कलर जॉब करनी है, कोई हाई फाई एडमिन टाइप की ऑफिस में जॉब करनी है, अगर वो क्राइटेरिया नहीं है, हर स्टूडेंट को यहाँ जॉब मिल जाती है और हर बंदा यहाँ पे अच्छा पैसा अर्न करता है। तो पैसे से याद आया कि अब ये स्टूडेंट वीजा पे इन बेचारे बच्चों का कितना पैसा लगने वाला है, ये बताओ। इसमें ये बताने से पहले एक चीज ऐड ऑन कर दूं कि डिप्लोमा और डिग्री के अंदर पीआर के रिलेशन में क्या फर्क है, क्योंकि जब बच्चे का मेन मोटिव है परमानेंट रेजिडेंसी, तो उसको मैं बता दूं कि डिप्लोमा करने के बाद इतनी इजीली पीआर नहीं एलिजिबिलिटी पूरी होती जितना डिग्री करने के बाद होती है। इसीलिए हम बच्चों को हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज में जाएं, अपनी डिग्री फिनिश करें, अच्छी क्वालिफिकेशन लें, उसके बाद उनको उस बेसिस के ऊपर उनको जॉब भी अच्छी मिलेगी और उनकी पीआर की एलिजिबिलिटी भी पूरी होती है। ओके, लेकिन वो तो डिप्लोमा लेकर आ रहे हैं ना आपका, तो उस डिप्लोमा के बाद वो डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं यूनिवर्सिटी? हमारा डिप्लोमा लेके वो यहाँ पे डायरेक्टली डिग्री में ही आएंगे स्टूडेंट वीजा के ऊपर। ओके, तो इट डजंट मैटर कि उन्होंने डिप्लोमा लिया है बट वो यहाँ पे डिप्लोमा तो वो इंडिया में ले लिया ऑनलाइन कैनेडियन कॉलेज का, मगर यहाँ पर तो जब कैनेडा में स्टूडेंट वीजा लेकर आ रहे हैं वो डिग्री करने के लिए आ रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी उनको और उस डिग्री के बेस के ऊपर उनकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी पीआर की और तब वो पीआर अप्लाई करेंगे। एंड वेरी क्विकली, दिस इज द शॉर्टेस्ट राउट टू पीआर। अगर इस तरीके से कोई भी बच्चा आता है, इट इज द शॉर्टेस्ट राउट के बच्चे की 4.5 से लेके 5 साल के अंदर अंदर पीआर कंप्लीट हो जाती है द डे वन व्हेन ही थिंक्स इन इंडिया
कि जब उसने एडमिशन लेनी है हमारे साथ और तब से लेके 5 साल के बीच में उसकी पीआर हो जाती है. दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट. लेकिन इन सब के बीच में उनको पहले एक बार वर्क परमिट भी तो लेना पड़ता है ना. वर्क परमिट का ये कोई भी कोर्स वो जब यहाँ पे कनाडा में करते हैं 18 मंथ से कम का तो उनको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है. अगर उनका कोर्स 18 मंथ से ज्यादा का होगा तो उनको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है. क्योंकि वो डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनका कोर्स नॉर्मली 22 मंथ्स का तो मिनिमम होता ही है. बिकॉज उन्होंने थर्ड ईयर में भी आते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर लगाते हैं तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है. 3 साल के वर्क परमिट के ऊपर जब वो 1 साल काम कर लेते हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है क्योंकि उन्होंने डिग्री की होती है एंड दे अप्लाई फॉर पीआर. वाओ, तो मतलब कनाडा में आने के बाद आपको आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा. लेकिन 3 साल वेट करने की जरूरत नहीं है पीआर अप्लाई करने के लिए. 1 साल के वर्क परमिट के बाद ही यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पीआर. और इन प्रोविंसेस में अगर आप पीआर अप्लाई करते हो तो पीआर वहां पर आती भी जल्दी है. क्या रीजन है कि वहां पर पीआर जल्दी आ जाती है? पीआर का तो सेंट्रल प्रोसेस ही है ना सारा. सेंट्रल प्रोसेस है मगर आप देखो ना कि एक जगह के ऊपर तो 1 मिलियन लोग रह रहे हैं, दूसरी जगह के ऊपर जस्ट 100,000 हैं. और मेरे ख्याल से प्रोविंशियल नॉमिनेशन में मिलता है. प्रोविंशियल नॉमिनेशन में मिलता है. उसके अलावा वो प्रोविंसेस चाहती हैं कि हमारे पास लोग आए, हमारे यहाँ पे रहें, काम करें, एक अच्छा सेटअप बनाएं ताकि प्रोविंस के भी रेवेन्यू जनरेशन हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, तो इसलिए वो प्रोविंसेस ज्यादा वेलकम करते हैं. ओके, चलिए हम बात कर रहे थे पैसे की. तो जब बच्चा अपना ये फाइल लगाता है स्टूडेंट वीजा के लिए तो पैसा भी तो दिखाना होता है ना उनको. नहीं, आजकल एक प्रोसेस है जब उनको ऑफर लेटर आती है जो हमारे डिप्लोमा करने के बाद यूनिवर्सिटी से, जब जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से ऑफर लेटर आती है. उसने सिर्फ फर्स्ट ईयर की उसमें फीस पे करनी होती है. okay. और प्लस उसने GIC अकाउंट खोलना होता है जिसमें उन्होंने $10,000 दिखाने होते हैं. या GIC अकाउंट तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है हर स्टूडेंट वीजा के लिए. वो तो आपको हर बार करना ही करना है. लाइक दिस इज नॉट समथिंग कि आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए करना है और उसके लिए नहीं करना है. ये तो हर स्टूडेंट को GIC अकाउंट तो खुलाना ही खुलाना है. लेकिन उनको कुछ बैंक में अपना GIC अकाउंट में पैसा दिखाने की जरूरत है. दैट्स ऑल. एंड प्लस उन्होंने फर्स्ट ईयर की फीस पे करनी है. फर्स्ट ईयर मींस जो थर्ड ईयर की या जितने भी उनको क्रेडिट्स मिले उसके अकॉर्डिंग जो जिस ईयर में वो एंटर हो रहे हैं उस ईयर की उन्होंने फीस पे करनी है. और दैट्स ऑल. अबे अबे, दो क्वेश्चन पूछूंगी. एक तो क्या लगता है कि टोटल बच्चे के पास पेरेंट्स, मतलब बच्चा तो क्या पैसा लगाएगा, पेरेंट्स ही लगाएंगे, पेरेंट्स कितना बजट दिमाग में लेकर चलें कि इतना पैसा मेरे को बच्चे के ऊपर लगाना होगा ओवर द कोर्स ऑफ 4 इयर्स. ओके, नॉट इमीडिएटली. और इमीडिएटली कितना पैसा होगा कि मेरे पापा ने यही किया था मेरे साथ कि भाई मैंने MBA किया था तो एक बार तो पैसा भर दिया था और उसके बाद उनको था कि चलो हर सेमेस्टर में धीरे धीरे फीस देनी है ना तो मैनेज हो जाएगी. तो एक बार कितना पैसा हो कि आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और टोटल पैसा, क्योंकि एक बार बच्चा यहाँ आ गया ना फिर तो वो खुद कमाएगा और खुद फीस देगा. तो पेरेंट्स क्या बजट दिमाग में लेकर चले? जैसे इंडिया में बच्चे ने ऑलरेडी 9 मंथ्स के अराउंड पढ़ना है, 9 मंथ्स टू 1 ईयर, तो वहाँ की फीस तो ऑलमोस्ट 1/3 होगी यहाँ के. तो दैट इज जस्ट अराउंड $6,000 to $7,000. दैट्स ऑल. एंड जब यहाँ पर बच्चे की यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गई उसकी जो फर्स्ट एंटरिंग ईयर की उसकी जो फीस होगी दैट विल बी अराउंड $14,000 to $15,000. ओके, and that's the first year fees. Yes, and 10,000 for the GIC. So 25,000 वो हो गई. और अगर हम साथ लगाएं तो almost 32, it comes to around 15-16 lakhs in the starting. Okay, 15-16 lakh in total. और यहाँ पे हम बात करें universities की education की, degree की, not कि आप किसी भी college के अंदर सिर्फ PR के लिए आप admission ले रहे हो. University की degree matters जब आप job apply करने जाते हो तो, right? तो ऐसा भी हो सकता है कि वो universities में degree apply ना करें, किसी छोटे मोटे colleges में करते, fees थोड़ी कम लग जाएगी. तो कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में तो वो डिप्लोमा ही होगा ना, डिग्री तो होगी नहीं डिप्लोमा कॉलेज में. तो वो जो डिप्लोमा कॉलेज में हो रहा है वो तो हमने ऑलरेडी उनको करवा चुके हैं इंडिया में. ओके, जिस डिप्लोमे को यहाँ पे करने के लिए उन्होंने $40,000 खर्चने थे वो तो हमने उनको इंडिया में बैठे हुए $6,000 to $7,000 में करवा दिया. ओके, वो तो खत्म हो गया प्रोसेस. अब तो उनकी बारी है, अब तो वो डिग्री के अंदर आए, अपनी डिग्री फिनिश करें और पीआर के लिए जाएं. अब ये सारी बात तो हमने करी है प्लस टू के बाद बच्चे जो करियर पाथ बनाते हैं. अब जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अब उन्होंने आना है, या जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया इंडिया में बैठकर, लेकिन अब क्योंकि CRS पॉइंट्स पे क्वालिफाई नहीं करते हैं और एक ही तरीका रह गया कि अब स्टूडेंट वीजा पे कैनेडा आए, उनके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? सबसे पहले तो जो जिस फील्ड में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है सेम फील्ड की रेलिवेंस होनी चाहिए जो वो यहाँ पर कनाडा के अंदर डिग्री करने के लिए आएंगे. ओके, मेन चीज है रेलिवेंस. दूसरी बात, इंडिया में ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, कनाडा में ग्रेजुएशन 4 साल की होती है. सो जो वो 1 साल का ब्रिज है वो ब्रिजिंग गैप हम UPI के करिकुलम से पूरा करते हैं. जब बच्चा हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद आता है, एडमिशन लेता है, हम उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एडमिशन देते हैं फ्रॉम एस्पायर कॉलेज कनाडा. द चाइल्ड फिनिशेस दैट डिप्लोमा इन इंडिया इन सेम प्रोसेस
इन 6 to 9 months, और वो करने के बाद उसको पीजी डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मिल जाती है, उसके बेस के ऊपर उसकी यहाँ पे हम एडमिशन करवाते हैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, MBA में, आइदर MBA और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई भी मास्टर डिग्री के अंदर। यूनिवर्सिटी उनको ऑफर लेटर देती है और उस बेसिस के ऊपर बच्चा यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आता है। अब अगर हम बात करें MBA, अगर यहाँ पर कोई सीधा MBA करने के लिए आता है तो दैट इज फार फार एक्सपेंसिव। एंड दिस वे व्हेन यू कम, जो अभी हमारे रिसेंट स्टूडेंट्स गए हैं उनकी MBA की फीस वाज जस्ट 31,000 फॉर 2 years। ओके, सो 31,000 इज यू कैन से अराउंड 16-17 lakhs, या व्हिच इज नथिंग, या अगर आपको यहाँ की यूनिवर्सिटीज की MBA की डिग्री मिल रही है तो, जो कि आपको जॉब्स में भी आगे हेल्प करेगा। और MBA तो शायद ऐसा एक्सट्रीम है कि अगर कॉमर्स वाले ने भी किया है या फिर आई डोंट नो, अगर किसी ने मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया है वो भी ये सब ये कोर्स वो कर सकते हैं। बट बात फिर वहीं पे आ गई कि जब वो फाइल लगाएंगे अगर डायरेक्टली करके, तो वीजा ऑफिसर विल लुक इनटू द फाइल एंड से कि आपने तो BSc मेडिकल की है, अब आप BSc मेडिकल करके आप MBA करने कैसे जा रहे हो, व्हाट इज द रेलेवेंस। तो वो रेलेवेंस प्रूव करने के लिए बच्चा हमारे पास वहां पे एडमिशन लेता है, वो BSc मेडिकल के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे पास करता है। दैट डिप्लोमा इज द स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स द MBA। वो उसमें उस करिकुलम के अंदर वो MBA के कुछ पार्ट को स्टडी करता है ताकि उसकी वो रेलेवेंस बनती है, जिसके बेस के ऊपर उसकी डिग्री में एडमिशन होती है, तब वो यहाँ पे MBA करने के लिए आ सकता है, तभी उसको वीजा मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जो वीजा ऑफिसर्स होते हैं, जो आपकी स्टडी वीजा की फाइल स्टडी करते हैं, मोस्टली जब वो एक स्टडी वीजा की फाइल रिजेक्ट करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि उनको ये ट्रस्ट नहीं होता कि यार आप जो कोर्स करने के लिए जा रहे हो वो किसी भी लायक है आपके लिए, या आप क्यों कर रहे हो, आपकी स्टडी उससे रेलेवेंट नहीं है। तो ये पॉइंट एक बहुत अच्छा है कि एक ब्रिजिंग गैप बन जाता है कि यार इंडिया में बैठकर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बाद यू कैन डेफिनेटली डू MBA और एनी कोर्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद भी वर्क परमिट का प्रोसेस सारा सेम है? सेम, 2 साल का वो यहाँ पे MBA करेंगे, उसके बाद 3 साल की उनको वर्क परमिट मिलेगा, उस केस के अंदर उनको वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो क्वालिफाई जल्दी कर जाएंगे। इमीडिएटली दे कैन, द मोमेंट दे विल गेट द जॉब दे विल इमीडिएटली फाइल फॉर PR और उनकी ऑलमोस्ट 9 months में PR आ जाती है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि वो PR मान लो उन्होंने न्यू ब्रुंसविक से ले ली या फिर नोवा स्कोशिया से ले ली, अब PR मिलने के बाद कैन दे वर्क एनीवेयर इन कनाडा या वहीं रहना है? या दे कैन वर्क एनीवेयर इन कनाडा, मगर मेरी ये सोच है कि जब एक प्रोविंस आपको इतनी हेल्प आउट करती है, आपको इतना उन्होंने सपोर्ट किया, तो आपकी थोड़ी एथिकल एथिक्स के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस प्रोविंस को कुछ तो पे बैक करो, यू ओव समथिंग टू दैट प्रोविंस। सो आप, मैं तो ये कहूँगा आप उस प्रोविंस में रहें, वहाँ की इकोनॉमी को राइज करें, वहाँ पर थोड़ा काम करें, बट स्टिल अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं और इन कनाडा तो आप मूव कर सकते हो, देर इज नो, दे आर नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर ग्रोथ, बट एटलीस्ट intentionally वो नहीं करना चाहिए। वो टीचर वाली अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो लेकिन मैं यही कहूंगी ना, मान लो मेरा भाई या मेरी बहन आते हैं और क्योंकि आपका प्रोसेस इतना लुक्रेटिव है तो चलो वो वहां पे चले जाए, बट मैं सोच जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर आ जाए, तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जैसे उछल रहे होंगे कि यार ठीक है, बट भाई बहन तो ऑन्टेरियो में रह रहे हैं या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे हैं, तो ऑप्शन तो है ना जाने का, ऑप्शन है। हाँ, तो ये एक बात थी। तो आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, कोर्सेस की बात कर ली है, फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली है, स्टूडेंट वीजा के फाइल की बात कर ली है, डॉक्यूमेंट्स की, वर्क परमिट की और PR की भी। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, जो मैंने ये सारा आपको बताया, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो हम इंडिया में करवा रहे हैं। UPI के अंडर एक हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टडी पोर्टल लॉन्च किया था कुछ देर पहले, जिसमें हमारे अराउंड अबाउट 100 शॉर्ट कोर्सेज हैं। तो अगर आप इंडिया में रहकर उन शॉर्ट कोर्सेज को भी कर लें, जो 1 week से लेकर 3 months तक के कोर्सेज हैं एंड विच आर वेरी चीप, प्राइस रेंज इज फ्रॉम $20 टू 100 और 200। यस, दैट इज मेनली फॉर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा एड ऑन्स, वैल्यू सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, फॉर वर्किंग पीपल ऑल्सो, और उन लोगों के लिए भी जो काम नहीं छोड़ सकते, जो काम के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन डू दोज कोर्सेज। वो कोर्सेज करने का सबसे बड़ा फायदा है, यू कैन एड वैल्यू टू योर रिज्यूमे, प्लस वेन यू विल कम हियर यू विल गेट इजिली lot of jobs on the basis of those courses, because उन courses के certificates भी आपको Canada के college से ही मिलेंगे, चाहे वो short courses हैं, मगर those are the courses जिसके base पे ऊपर आपको यहाँ पे आके job immediate मिल जाएगी।
दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड पॉइंट एड ऑन. मतलब इंडिया में बैठकर कई लोग सोचते हैं. इनफैक्ट ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके पास ऑलरेडी पीआर है और एक्सपायर्ड सीयूपीआर पे है, इंडिया में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि यार कनाडा में जाना है तो कैसे काम शुरू करेंगे, कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए. तो इंडिया में बैठे बैठे आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो, अपने रेज्यूमे को एड ऑन कर सकते हो, वैल्यू एड ऑन कर सकते हो, ताकि जब आप कनाडा में आओ तो आपके पास ऑलरेडी कनेडियन इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेशन है दिखाने के लिए जिनके बेस पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो. तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए. एंड इनफैक्ट द पीपल हु आर इन कनाडा एंड दे वांट टू जस्ट एनहांस देयर एजुकेशन, एनहांस एनी स्किल सेट, उनके लिए भी अच्छा है. तो दिस इज गुड फॉर एवरीवन. सो थैंक यू सो मच विकास जी, इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए, इतना सारा इनसाइट देने के लिए. ये आपको एक ओवरऑल आइडिया देगा कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, किस तरीके से स्टूडेंट वीज़ा के ऑप्शन को कनाडा में एंट्री करने के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हो, किस तरह से आप बजटिंग कर सकते हो और एक रूट ले सकते हो. जो भी इनके कॉलेज से रिलेटेड लिंक्स हैं, इस वेबसाइट का लिंक, इनकी वेबसाइट का लिंक है, स्टडी पोर्टल का लिंक है, यूपीआई यूनिवर्सिटी का लिंक है, और इनके इनको आपको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू, मैं इनके सारे डिस्क्रिप्शन में इन्फॉर्मेशन और लिंक्स डाल देने वाली हूँ. और आपके कमेंट्स को विकास जी बड़ा माइन्यूटली मॉनिटर करेंगे, उनसे बिना पूछे मैंने बता दिया है. तो अब उनको ही उनको करना ही पड़ेगा, ताकि अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं इनके कोर्सेज को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर, या ओवरऑल भी कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, पीआर या वर्क परमिट को लेकर, आप कमेंट्स हमें पूछ सकते हो. एंड नॉट he will reply to that. Yeah, definitely I will reply. And thank you Shilpa for asking. Thank you for coming. Pleasure was all us. तो ये बहुत ही knowledgeable, valuable video होने वाली है. मुझे इनफैक्ट बहुत सारी knowledge मिली है. So I'm sure आपको भी ये video उतनी पसंद आई होगी. तो video को like कीजिए, share भी कीजिए, channel को subscribe आपकी मर्जी है, अगर मन करे तो कर लेना. तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय. बाय बाय. एंड कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री एंड वी वेलकम यू ऑल. वेलकम.